स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप सभी अच्छे होंगे. और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग SBI PO का जो मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद अब इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन शुरू करनी है और जो ग्रुप एक्सरसाइज है और साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसके लिए हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बच्चों आपके सामने लेकर आए हैं, आपके साथ लेकर आए हैं कि किस तरीके से हम कैसे थर्ड राउंड जो फेज थ्री है SBI PO का, उसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या क्या आपसे आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको आना चाहिए और कैसे, किस बेसिस के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी सिलेक्शन उसमें होगी. तो यहाँ पर पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका फेज टू क्लियर हुआ है. बट अभी जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, अभी फेज थ्री रहता है, तो इम्पॉर्टेंट जो राउंड है वो अभी बचा हुआ है. तो डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है हमें, रिलैक्स नहीं होना है अभी, और पूरी जो डबल मेहनत अभी इस राउंड के लिए करनी होगी. बिकॉज ये राउंड ऐसा है जो आपने पहले शायद नहीं दिया होगा कभी, या इंटरव्यू कभी अगर नहीं दिया है तो ये बहुत कम जो स्टूडेंट्स ने किया होता है इस राउंड को फेस. तो इसके लिए बच्चों आपको और बहुत अच्छी खूब मेहनत की ज़रूरत है इस राउंड के लिए. तो पहले तो GD इंटरव्यू बैच जो हमारा शुरू हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 13th of March यानी मंडे से ये बैच बिगिन हो रहा है. तो इसमें सभी जो SBI के मेन, जो SBI के रिटायर्ड जो मैनेजर्स होंगे वो इसमें पार्ट होंगे और उनको पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता है क्या क्या जज होती हैं, किस किस बेसिस के ऊपर सिलेक्शंस होते हैं. तो उसी बेसिस के ऊपर हमारी प्रिपरेशन होगी. ये 13th of March यानी मंडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है. तो इसके लिए अपना नेम जो है इस बैच के लिए रजिस्टर करें. बिकॉज इसको ऐसे मत समझिएगा कि घर बैठ के हम प्रिपरेशन कर लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द राउंड जिसमें घर बैठ के प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी. बच्चों ये राउंड है कम्युनिकेशन का, दूसरों से लोगों से सबसे बातचीत करने का राउंड है. तो इसमें घर बैठ के मॉक टेस्ट देकर प्रिपरेशन नहीं होगी स्टूडेंट्स. इसके लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा और वहां जाकर सबसे बातचीत करनी पड़ेगी. किस तरीके से आप, क्या वे ऑफ टॉकिंग है आपका, क्या कम्युनिकेशन है, कैसी पर्सनैलिटी है, वो राउंड है बच्चों ये. तो इसके लिए IBS का जो न्यू बैच है ये शुरू हो रहा है मंडे से. तो आप इसमें रजिस्टर करने के लिए अपना जो नेम है यहाँ पर गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स में नाम रजिस्टर कर सकते हैं और इस बैच में सभी स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम हैं. ये आपके गिवन नंबर्स हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए. ये भी यहाँ पर भी लिखे हैं नंबर्स, तो इन पे कॉन्टैक्ट करके अपनी आप सीट रिजर्व कर सकते हैं. तो थोड़ा सा मैं जो तीन राउंड्स हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, ये है क्या राउंड और किस तरीके से इसमें हम सिलेक्शन ले सकते हैं. ठीक है, तो पहला राउंड है साइकोमेट्रिक टेस्ट. बच्चों साइकोमेट्रिक टेस्ट एक MCQ बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें कि आपकी जो ट्रेट्स हैं, बेसिकली आपका एटीट्यूड चेक होता है कि आप किस तरह के इंसान है, कैसा आपका एटीट्यूड है, कि क्या आपका एक क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन पुट अप होते हैं. और क्या आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है या एक पेसिमिस्टिक पर्सन है. तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पेसिमिस्टिक पर्सन है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट आपका यहाँ पर मेनली चेक होता है कि किस तरह के आप इंसान हैं, क्या आप हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं या नेगेटिव है. ठीक है, तो पहला एटीट्यूड हो गया. दूसरा बच्चों आपके मॉरल्स एंड वैल्यूज कैसी हैं, मतलब आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर वर्क करना करने की कोशिश करते हैं या फाइनेंशियली गेन के लिए आप मोटिव के लिए आप वर्क करते हैं. तो वो मॉरल्स एंड वैल्यूज आपको जो स्कूल ने इम्बाइब की हैं, जो आपके कॉलेज ने आपको इम्बाइब की हैं, जो आपकी फैमिली ने आपको इम्बाइब की हैं, बच्चों वो मॉरल्स एंड वैल्यूज क्या हैं वो यहाँ पर आपका सेकंड चीज ये चेक होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस. इसमें आपको ऑप्शंस भी होती हैं, उसमें आप ऑप्शन को आपको टिक करना होता है, उसके बेसिस के ऊपर आपका रिजल्ट आता है. ठीक है, थर्ड जो मेजर जो ट्रेट है, जो पर्सनैलिटी ट्रेट, वो इसमें है आपका, इसमें आपका वर्क एथिक्स, वर्क कल्चर या वर्क एथिक्स कैसे हैं आपके, कि आप जैसे SBI में अब आगे जाके काम करेंगे तो आपकी जो बाकी स्टूडेंट, बाकी कैंडिडेट्स के साथ या बाकी आपके स्टाफ के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन रहेगी, कैसी कोऑपरेशन रहेगी. तो उसके बेसिस के ऊपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट
कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, किस तरह के आप एडजस्टमेंट बिठाते हैं जब आप एक टीम में होते हैं, तो एक टीम वर्क किस तरह से होता है। तो ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं बच्चों, वो यहाँ पर वर्क एथिक्स की फॉर्म में चेक होंगी। तो ये बेसिकली ये जो राउंड है, इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन से एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपकी जो बेसिक एटीट्यूड है आपकी, वो कैसा है, ठीक है, पर्सनैलिटी कैसी है आपकी। तो ये पर्सनैलिटी प्रोफाइल बेस्ड आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि प्रोफाइलिंग कैसी है बच्चों आपकी, क्योंकि वहां पर जब आप जॉब करेंगे एसबीआई में, तो उनको वही लोग चाहिए जो अच्छे पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लोग हों, जो आगे एक टीम वर्क में अच्छे से एडजस्ट हो सकें, ठीक है। तो नॉन एडजस्टिंग वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके डेफिनेटली मार्क्स कम होंगे, तो वो आगे इस राउंड को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें चेक होंगी। तो इसमें हमारे जो बैचेस हैं उसमें सारा एमसीक्यू टाइप में कवर होगा, किस तरीके से क्या क्या जो आपके ट्रेड्स हैं वो चेक होंगी, किस तरीके से आपको रिस्पांस देना है, ठीक है, ओके। सेकंड है आपका ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप एक्सरसाइज में आपका एक टॉपिक होता है, डेफिनेटली एक टॉपिक जो आपको गिवन होगा उसके बारे में आपको नॉलेज तो होनी जरूरी है ही है, कि क्या उसके बारे में आपको कंटेंट है वो पता होना चाहिए बच्चों। बट ये जो पर्सनैलिटी राउंड है, इसमें कंटेंट से ज्यादा बेटर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, किस तरीके से उस नॉलेज या उस कंटेंट को आप प्रेजेंट करते हैं, क्या आप प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप उसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आपका कैसा है, क्या लोगों से आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, लिसनिंग कैसी है आपकी, लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। क्योंकि आप मान लो आप ग्रुप एक्सरसाइज में बहुत बोल रहे हो बट आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव ट्रेट, ठीक है। तो लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, हाउ यू वर्क इन अ टीम, तो टीम स्किल्स जो है आपकी वो यहां पर चेक होती हैं। तो ये सब जो ट्रेट्स हैं बच्चों, वो इस ग्रुप एक्सरसाइज में चेक होंगे कि बाकी जो कैंडिडेट्स के साथ आप किस तरीके का व्यवहार या किस तरीके का जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा रहता है, और कैसे आप उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके साथ एडजस्टमेंट करके टीम में एक टीम स्किल्स आपकी यहां पर चेक होंगी, टीम वर्क कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, ओके। तो ये ग्रुप एक्सरसाइज का पार्ट होगा। तो यहां पर जो हमारा बैच शुरू हो रहा है, तो उसमें ग्रुप एक्सरसाइज की सारी जो क्वालिटीज हैं उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, और उनको कैसे हम और पॉलिश करें आपकी क्वालिटीज को, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप एक्सरसाइज में, हमारे जो न्यू बैच में जो 13th of March से मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इन क्वालिटीज को हम पॉलिश करेंगे। थर्ड जो आपका इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में बेसिक जो क्वेश्चन है बच्चों कि आप SBI क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वाई SBI, SBI में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, पिछली जॉब आपने क्यों छोड़ी, या आप किसी और बैंक में क्यों नहीं जाते हो, या वाई नॉट RBI में क्यों नहीं जाते हो आप, ठीक है, और प्राइवेट बैंक में क्यों नहीं आप जाना पसंद करोगे, वाई नॉट प्राइवेट बैंक, ठीक है, क्या आपकी क्वालिटीज हैं, किस बेसिस के ऊपर हम आपको सिलेक्ट करें, तो ये कुछ व्हाट आर योर क्वालिटीज, जिस बेसिस के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाए, या क्या आपकी वीकनेसेस हैं जो आपको यहाँ पर SBI की वर्किंग में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं आपकी। तो ये सब कुछ बच्चों क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पर्सनल इंटरव्यू के राउंड में पूछे जाने वाले हैं, और इसके लिए आपको SBI के बारे में थोरो नॉलेज होनी जरूरी है। डेफिनेटली एक बैंकिंग सिस्टम में आप जुड़ने जा रहे हो, तो बैंकिंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होनी जरूरी है, और अपने बारे में बच्चों योरसेल्फ के बारे में आपको पूरी तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि आप की जो हॉबीज हैं वो क्या हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एम क्या है लाइफ का, आप 5 years डाउन द लाइन क्या करने वाले हैं, 10 साल, कुछ प्लानिंग फ्यूचर की। तो ये सारा कुछ आपको आपसे पूछा जाएगा। डेफिनेटली एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी वन पार्ट जिसमें से कि क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चार एरियाज में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो बैच में स्टूडेंट्स, इन तीनों राउंड्स को लेकर हम पूरा डेप्थ में आपकी पॉलिशिंग, आपकी जो क्वालिटीज हैं उसको हम और उभारने के लिए ये बैच हमारा शुरू हो रहा है 13th of March से, मंडे से। तो होप यू विल ऑल ज्वाइन एंड वी वॉन्ट टू सी यू ऑल इन दिस बैच। तो
तो जल्द से जल्द अपनी सीट रजिस्टर कीजिए, ये जो गिवन नंबर्स हैं इन पे 93160, आई रिपीट इट अगेन, 93160 68310 और 93164 88310 पे अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं आप। और इस जो राउंड में जो आपको एक एडवांटेज मिली है कि मेंस आपका क्लियर हुआ है बच्चों, इस राउंड में आप इसको क्लियर कर सकते हैं, सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं। बट इसको ये आप मत समझिएगा कि घर बैठ के ये प्रिपरेशन हो जाएगी, बच्चों नहीं होगी, ठीक है। सो यू नीड टू मूव आउट एंड यू नीड टू बी टॉकिंग टू पीपल, यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू ब्रश अप योर कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ हैं। तो हमारा जो बैच है 13th मार्च, अगेन आई विल टेल यू, मंडे से शुरू है, तो इसमें हम आपको सारी स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, सो चलो बेस्ट विशेस सभी बच्चों को जिनका क्लियर हुआ है, बेस्ट विशेस और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड वी विश कि आपका जो इंटरव्यू राउंड है वो भी क्लियर हो। तो आज की वीडियो इतना ही, और इन क्वालिटीज को लेकर हम और वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, एंड स्टे ट्यून्ड, बेस्ट विशेस। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।